नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिबरेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगा कर, 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया बताइए हमको, किसने के डिलीबरेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कम्प्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए, और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, और जो एब्रोगेशन बाइफरकेशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर की आवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई, और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज़ होंगे और वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। सर दो सवाल हैं, आपने ये बात कही कि दूसरे शहरों में भी ये काम करेंगे ये लोग, किस शर्त पे और क्या सबूत और किस दावे के साथ आप कह रहे हैं? देखिए, आज आपने एक स्टेट को 3 UT बना दिए, वहाँ की असेंबली भी नहीं है, वहाँ 356 है, पार्लियामेंट उनके लिए बोल रहा है, असेंबली नहीं बोल रही है, आपने यूटी बना दिया उन लोगों को 3 को। अब आज का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट ने, CGI और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द अर्लीस्ट आप रिस्टोर करिए। अर्लीस्ट का मतलब क्या है? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 सितंबर की तारीख दी कि चुनाव करवा दीजिए, अब अर्लीस्ट का मतलब क्या है? और लद्दाख के यूटी को उन्होंने अपहेल्ड किया है, अब वो लद्दाख में क्या पावर्स है बताइए? पहले तो भी काउंसिल में कुछ पावर से, अब तो LG डिसाइड करता है बजट उनका। तो ये आप कल किसी को भी करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है 356 लगाने की। आप कहेंगे कि भाई चलो ये लॉ एंड ऑर्डर मसला है और इन चारों को यूटी बना दो, तो खतरा है, वो उस खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। जल्द चुनाव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वहां पर स्थापित होना चाहिए। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।